योगी चैकचित्त समाहितः सर्वमेवं विजानायान् मार्गे वैचंद्र सूर्ययोः। अर्थात इस प्रकार एकाग्र चित्त और शांत होकर योगी को स्वर देखना चाहिए और सभी पदार्थों को सूर्य और चंद्र के अर्थात पिंगला और इड़ा के मार्ग में देखना चाहिए। अब देखिए इस श्लोक को सभी लोग ध्यान पूर्वक समझ लें। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, उसमें कहा गया है कि इस विद्या को सीखने के लिए तो आप अपना जो प्रारंभ कर सकते हैं वो इसी श्लोक से कर सकते हैं, विद्या का प्रारंभ, सीखने का प्रारंभ, और इस विद्या को, इस विज्ञान को प्रैक्टिस करने का प्रारंभ आप इसी श्लोक से कर सकते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, श्लोक नंबर 54, फिर से देखिए। अनेन लक्ष्येद्योगी चैकचित्तः समाहितः सर्वमेवं विजानायान् मार्गे वै चंद्र सूर्ययोः। फिर से समझिए इसको ठीक से, जिससे कि इसी से साधना का प्रारंभ हो जाएगा, आपकी स्वर योग विज्ञान की साधना का प्रारंभ आपका इसी श्लोक से हो जाएगा। और इसमें कोई समस्या आती है तो उसके लिए कमेंट करिए। आप इस श्लोक को ठीक से समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से समझिए और फिर आज से ही प्रारंभ कर दीजिए स्वर योग की साधना। और कोई समस्या आती है तो अपने कमेंट्स में मुझे बताइए। तो प्रारंभ कैसे होगा, स्वयं भगवान शिव इसका दिशा निर्देश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इस प्रकार एकाग्र चित्त और शांत होकर चैक चित्त समाहितः। इस प्रकार एकाग्र चित्त और शांत होकर योगी को स्वर देखना चाहिए। अनेन लक्ष्येद्योगी, आप कैसे देखेंगे स्वर, एकाग्र चित्त और शांत होकर। कुछ नहीं करना है, किसी भी आसन में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएंगे। आपका पोस्चर चेक करिए, आपके कंधे झुके ना हो, आपकी गर्दन झुकी ना हो, आपकी स्पाइन झुकी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे, लेकिन तन कर नहीं, शरीर को लूज छोड़कर बैठेंगे। किसी भी आसन में, चाहे आप पद्मासन लगा लें, चाहे वज्रासन लगा लें, परंतु आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए, शरीर एकदम स्वाभाविक स्थिति में होना चाहिए, कसा हुआ तना हुआ नहीं। तो इस स्वाभाविक स्थिति में जब बैठ जाएंगे तब उसके पश्चात आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल ऑब्जर्व करना है, केवल निरीक्षण करना है, केवल परीक्षण करना है। किसका, उन श्वासों का जो शरीर के भीतर जा रहे हैं और शरीर से बाहर आ रही हैं। यू हैव टू ऑब्जर्व योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक से वाच करना है, ठीक से ऑब्जर्व करना है, ठीक से निरीक्षण करना है, श्वास के अंदर आने और बाहर जाने पर बस ध्यान देना है। श्वास को न तो अंदर खींचना है, न श्वास को अंदर छोड़ना है। श्वास की जो गति प्राकृतिक रूप से हो रही है, स्वाभाविक रूप से हो रही है, नेचुरल रूप से हो रही है, बस उसको केवल ऑब्जर्व करते रहना है, उसका निरीक्षण करते रहना है कि कैसे श्वास हमारे भीतर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। अब इस निरीक्षण को थोड़ा सा एडवांस भी करना है इसी क्रम में, कैसे, सर्वमेवं विजाय, क्षमा करें, सर्वमेवं विजानायान् मार्गे वै चंद्र सूर्ययोः। अब जब श्वासों को निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे हमारे अंदर श्वास आ रही है और कैसे जा रही है, तब हमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी इसका भी ध्यान करना है। यानी कि जब श्वास हमारी दाई नासिका में आ रही है तब तो हमारी सूर्य नाड़ी उससे प्रभावित हो रही है, यानी सूर्य नाड़ी में हमारे कंपन हो रहा है, सूर्य नाड़ी हमारी हल्के हल्के वाइब्रेट हो रही है जब श्वास हमारे भीतर जा रही है, हमारा दायां साइड बॉडी का। और हमारी जब बाई नासिका से, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से
श्वास भीतर जा रही है तब हमारे शरीर की इड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी ये प्रभावित हो रही है, ये वाइब्रेट हो रही है और इसमें हल्का हल्का धीरे धीरे कंपन अनुभव करिए। तो श्वास अंदर जा रही है दोनों नथनों से और बाहर आ रही है, परंतु इसमें ध्यान आपको ये देना है कि जब दाई नासिका से श्वास आ रही है तो हमारी पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी सक्रिय हो रही है और जब हमारी बाई नासिका से श्वास भीतर जा रही है तो हमारी इड़ा नाड़ी हमारी चंद्र नाड़ी सक्रिय हो रही है। तो शरीर के बाएं भाग और शरीर के दाएं भाग पर ध्यान देना है इन्हीं श्वासों को लेते समय। बस इतना आप करना सीख जाएं तो स्वर योग विज्ञान में आप प्रवेश कर चुके हैं, फिर आप धीरे धीरे इस मार्ग पर बढ़ते हुए स्वर योग विज्ञान के चमत्कारों को अपने शरीर में अपने मन में अपनी आत्मा में अनुभव करने लगेंगे और जैसे जैसे अनुभव करते जाएंगे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, विश्वास बढ़ता गया तो आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और अभ्यास बढ़ता गया तो स्वर योग विज्ञान के जितने भी चमत्कार शास्त्रों में कहे गए हैं और इस शिव स्वरोदय शास्त्र में कहे गए हैं वो स्वयं आप धीरे धीरे अपने आप ही अनुभव करेंगे और उस अनुभव जो आपका स्व का अनुभव है वो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्व का अनुभव ही अनमोल होता है, बाकी जितना भी ज्ञान बाहर बिखरा पड़ा है पुस्तकों से लेकर इंटरनेट तक सब जगह जो ज्ञान बिखरा पड़ा है उसका इतना महत्व नहीं होता जितना कि उस ज्ञान को आप स्वयं के अनुभव द्वारा जान पाते हैं। तो आज से प्रारंभ हो चुका है स्वर योग विज्ञान की प्रैक्टिस का, स्वर योग विज्ञान के अनुभवों को सीखने का, उनको प्राप्त करने का, उनको जानने का स्वयं की प्रैक्टिस के माध्यम से। तो आज इस श्लोक के माध्यम से हमने स्वर योग विज्ञान की प्रैक्टिस शुरू कर दी है, प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी है। अब